बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑल फॉर यू कुकिंग एंड ब्लॉग के किचन में खुश आमदीद। बहुत ज़्यादा सर्दी है तो मैं बना रही हूँ गुड़ की चाय, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मैंने पानी का चाय का पैन ले लिया है, इसमें 3 कप पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें जो है ना, मैं 3 कप पानी डाल रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से चाय बनाएं। अगर आपने लिक्विड दूध डालना है तो आप इसमें पानी कम करें, जितने कप आपने बनाने हैं अपने हिसाब से पानी लें। फिर मैं इसमें लिक्विड नहीं डालूंगी, मैं पाउडर दूध की चाय बनाती हूँ तो मैं इसमें पाउडर दूध डालूंगी, इसलिए मैंने जितने कप बनाने हैं मैंने उतना पानी लिया है। ठीक है, अब मैं इसमें पाउडर दूध डालती हूँ। तो ये देखें, मैं पाउडर दूध जो है वो मैंने डाल दिया है और मैं इसमें डाल रही हूँ चाय की पत्ती। चाय की पत्ती भी आप अपने हिसाब से लें, आप जो यूज़ करते हैं जितनी आपको पसंद है, तेज़ कम आप उतनी ले लें। तो मैं इसमें 1 चाय का चम्मच भर के डाल रही हूँ और इसके अलावा मैं डाल रही हूँ गुड़। ये देखें, ये गुड़ की एक बड़ी डली जो है वो मैं इसमें डाल रही हूँ और फ्लेम जो है ना वो मैं बिल्कुल स्लो करके इसको 10 मिनट के लिए रख दूंगी। तो ये स्लो स्लो पकेगी और इसमें गुड़ भी घुल जाएगा। कोई इशू नहीं है कि आपने कूट के नहीं डाला या साबुत डाल दिया, बिल्कुल मुकम्मल ये घुल जाएगा। और दूसरी बात ये है कि गुड़ की चाय जो है ना वो बहुत ही अच्छी होती है रेशे के लिए, नज़ला ज़ुकाम के लिए। और गुड़ के फ़ायदे पे मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि गुड़ के कितने फ़ायदे हैं कि जो सोच के और सुन के आप हैरान हो जाएंगे। गुड़ जो है ना वो हड्डियों को भी बहुत मजबूत करता है और गुड़ से खून भी बनता है, नया ताज़ा खून बनता है। गुड़ से हाजमे के लिए गुड़ बहुत ज़रूरी है। जब आप खाना खाएं, जो चीज़ ऐसी हो कुछ जो हज़म नहीं हो रही होती, स्पेशली मूली जब हम खाते हैं ना, मूली के पराठे या मूली का सालन या मूली किसी भी तरीके से खाते हैं तो वो थोड़ा भारीपन आ जाता है, उसके लिए भी अगर आप गुड़ की चाय बनाकर पी लें ना उसके ऊपर, या कावा बना के पी लें, तो वो आपको एकदम से सब कुछ ठीक हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये सर्दी के मौसम में जो है ना वो गुड़ की चाय तो बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत फ़ायदा मंद है नज़ला ज़ुकाम बुखार दर्द वगैरह के लिए। तो यहाँ पर मैंने गुड़ जो है वो रख दिया है चाय में डाल के, और इसको मैं ढक के रख देती हूँ। फ्लेम जो है वो बिल्कुल हल्का कर देती हूँ। 10 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अभी मैं आपको मौसम दिखाती हूँ बाहर का। वो आपने देखा कमरों में कितना अंधेरा है लाउंज वगैरह में, क्योंकि हमने दरवाजे बंद किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी है। ये देखें, और महकमा मौसमियात वालों ने जो है ना पेशीन गोई की है कि बहुत सर्द हवाएँ और तेज़ हवाएँ चलनी हैं। और ये जो कपड़े हैं ना, ये देखिए, मजबूरन मैंने नीचे ला के डाले। कल से जो है ना कपड़े नहीं सूखे, मैंने कपड़े धोए थे तो फिर मैंने एक रस्सी जो है वो यहाँ टेरेस पे बांधी और उस पर फिर मैंने ये कपड़े लटकाए। और इतना सर्द मौसम है कि बाहर आती ही ना मेरी कपकपी आ गई है, मुझे बादल छाए हुए हैं, बारिश की पेशीन गोई है और धुंध है दूर दूर तक। मैं जैसे नज़र दूर आती हूँ ना तो जो है वो साफ़ नज़र नहीं आ रहा, धुंध है। तो इसके लिए ना जो आप ख़ुद बताएं कि मुझे गुड़ की चाय बनानी चाहिए थी कि नहीं। ये देखें, साइकिलों पे भी मैंने कपड़े डाले हुए हैं धोकर, जो कि कल नहीं सूखे, मैं ऊपर से नीचे ले आई हूँ। तो ये देखें, हवा देखें कितनी तेज़ चल रही है, आप देख सकते हैं कि हालांकि हवा का जो है ना यहाँ से गुज़र बहुत कम होता है, लेकिन इतनी तेज़ है हवा कि यहाँ तक जो है ना मुझे कपकपी आ रही है। ठीक है ना, और जो सीढ़ियों का दरवाज़ा है ना ऊपर वाला, ये देखें, ये जो दरवाज़ा है ना ये हमने बांधा है इसको, ये बहुत ज़ोर ज़ोर से ना ठक ठक बोल रहा था हवा के ज़ोर से, तो हमने इसको जो है वो बांध दिया है। जाके मैं आपको दिखाती हूँ, ऊपर लेके चलती हूँ मैं आपको। और लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा यहाँ आने का, और ये कौवे साहब उड़ के गए हैं यहाँ से, क्योंकि इतनी सर्दी है कि बहुत ज़्यादा सर्दी है। और यहाँ देखें, ये देखें, इसको जो है ना ये कपड़े के साथ फिर हमने बांधा है, क्योंकि दरवाज़ा जो है ना वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बज रहा था। और ये देखें ज़रा, आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ हवा है। ये देखें, रस्सियाँ भी हिल रही हैं, आप देख सकते हैं, बहुत तेज़ हवा है। ये देखें, मैं आपको इसलिए ये दिखा रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो हवा का कि कितनी तेज़ हवा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सर्द मौसम है जी, बचाएं अपने आप को, बच्चों को बचाएं, क्योंकि इस मौसम में बीमार होने का बहुत ख़तरा होता है, ठंड लगने का, और फिर जो अल्लाह ना करे जो एक चीज़ वबा जो आई हुई है वो ये जो है, ये सर्दी जो है उसके लिए जो है ना बहुत ही इफ़ेक्टिव है, यानी उसको तकवीत देने के लिए। ठीक है, तो मैं अंदर आ गई हूँ, दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है।
तो चाय को देखते हैं। अच्छा जी, देखें चाय जो है वो उबल रही है, तो मैं इसको फेंटना शुरू कर देती हूँ ताकि पत्ती जो है वो नीचे हो जाए। और ये देखिए, ये जो नज़र आ रही है ना आपको, ये चीज़ जो नज़र आ रही है ये गुड़ की एक मैल होती है, ठीक है ना। तो ये गुड़ की वजह से है ये, कोई इसका कोई ख़ास इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। और गुड़ की वजह से चाय जो है ना वो गाढ़ी भी हो जाती है काफ़ी। जो होटल्स वाले हैं ना वो शक्कर या गुड़ का इस्तेमाल भी करते हैं ताकि उनकी चाय जो है गाढ़ी भी हो जाए और मज़ेदार हो जाए। और ये देख सकते हैं आप कि गुड़ जो है वो मुकम्मल घुल गया है, हालाँकि अभी 10 मिनट भी नहीं हुए हैं, ठीक है। ये देखें, इसको मैं थोड़ी देर पकाऊंगी और फिर मैं कपों में डालूंगी इसको, ठीक है, क्योंकि इसको पकाएंगे जितना हम उतनी चाय जो है ना वो मज़े की हो जाएगी। तो ज़रूर बनाकर पीजिएगा, और प्लीज़ नए आने वाले इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिले। और एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाए, क्योंकि वॉच टाइम नहीं पूरा हो रहा, तो आप लोग हेल्प करें ताकि वॉच टाइम पूरा हो सके, मोनेटाइजेशन के लिए ज़रूरी है वॉच। जी, तो चाय जो है ना वो गुड़ की तैयार हो गई है और मैं इसको लेके जा रही हूँ। और दूसरी बात ये है कि आप जो है ना लाइक कमेंट शेयर करके मुझे ज़रूर बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी और आपने गुड़ की चाय बनाई कि नहीं बनाई, क्योंकि इस मौसम में पीना बहुत ज़रूरी है। गुड़ की चाय बहुत मज़े की होती है, बना कर देखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।